नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा नीम करौली महाराज का जीवन परिचय और उनके अनंत चमत्कार। हमारा देश भारत वैदिक काल से ऋषि मुनियों सिद्ध संत महात्माओं का देश रहा है। इसी धरती ने अनगिनत ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने पृथ्वी और बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र का कल्याण किया है। इसी धरती पर न जाने कितने अवतार भी हुए जिन्होंने बुराई का अंत करके इस संसार का संतुलन स्थापित किया। ऐसे सिद्ध पुरुष और संत महात्माओं अपना घर परिवार और समस्त सांसारिक सुख त्याग करके कठिन तपस्या के बल पर आध्यात्मिक शक्तियों के सारे दीन दुखियों समाज देश और अनंत समस्त संसार का कल्याण करते हैं और लोगों के दुख को दूर करके उनके जीवन को सुखी स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं तथा उनके निराशा से भरे जीवन को नई आशा की रोशनी से प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही एक संत थे नीम करौली बाबा। यह एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में बिना भेदभाव के देश विदेश के अनगिनत लोगों का कल्याण किया। नीम करौली बाबा का जीवन परिचय। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे लोग उन्हें नीम करौली बाबा, लक्ष्मणदास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरणहीन गांव से हुई थी और 17 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करौली बाबा का ब्याह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया था, लेकिन ब्याह के बाद बाबा ने गृह त्याग कर दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करौली बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक से स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुँच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे। उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करौली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं। हनुमान जी के उपासक थे बाबा नीम करौली महाराज। बाबा नीम करौली को भक्त तो वह उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करौली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते थे और कहते थे पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छू। नीम करौली बाबा भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। नीम करौली बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में एक थे जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी लालायित रहती है। नीम करौली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन में कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे। नीम करौली बाबा की मृत्यु। नीम करौली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगाजल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में नीम करौली बाबा की समाधि मंदिर है। आपको कभी भी नीम करौली महाराज के आश्रम के दर्शन करने हो तो आप उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली के पास कैची धाम नाम का आश्रम है, तो दोस्तों आप यहाँ ज़रूर आएँ। जय बाबा नीम करौली महाराज।